गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। 606 CE से लेके 647 CE तक वी गेट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में जो है हमको बहुत सारी जो है जानकारी मिलती है फ्रॉम मैनी सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज से जो है हमको उनकी जानकारी मिलती है। उनमें से एक है सोर्स है हर्षचरित्र, बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन रिटन बाय हिज कोर्ट हिस्टोरियन बाणभट्ट। हर्षचरित्र में जो कि हर्ष की एक बायोग्राफी है, उनके जीवन जीवनी है, जिसे कि उनके कोर्ट में उनके जो उनके जो दरबार में एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे बाणभट्ट, उन्होंने लिखी थी। एंड द अदर इज द अकाउंट ऑफ हेनसांग। उसके अलावा जो है हेनसांग के लेख से भी उनके बारे में पता चलता है। हेनसांग एक चाइनीज पिलग्रिम, हेनसांग जो था वो एक चाइनीज तीर्थयात्री था हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षाज रूल एंड स्टेड इन इंडिया फॉर 15 ईयर्स। और वो भारत में जो है 15 साल तक जो है भारत में उसने रहा। वो सेवरल इंस्क्रिप्शन इनटू आल्सो अनेबल अस टू नो अबाउट द दिस पीरियड। कई शिलालेख भी जो है हमको इस पीरियड के बारे में बताने में सक्षम है। हर्षास किंगडम include the territories of Thaneshwar and Kannauj. He later shifted his capital from Thaneshwar to Kannauj and had a huge standing army. हर्ष के राज्य में थानेश्वर और कन्नौज के क्षेत्र शामिल थे। बाद में उन्होंने थानेश्वर से कन्नौज तक जो है अपनी कैपिटल को जो है उन्होंने शिफ्ट कर दी थी और एक विशाल सेना थानेश्वर से कन्नौज तक जो है उन्होंने एक विशाल सेना को जो है वहाँ पे भेजा। हेनसांग मेंशन हिज आर्मी एज हैविंग इंक्लूड 60,000 वार एलिफेंट एंड 10,000 कैवेली। He conquered the terrorists of territories of Bihar and Bengal and also brought Ganjam, a part of Orissa, now Odisha, under the control. Thus, at the peak of the power, Harsha's rule over modern-day Punjab, eastern Rajasthan and entire Ganga Valley include Uttar Pradesh and बिहार एंड बंगाल। हेनसांग ने जो है उसके आर्मी के बारे में मेंशन किया है कि उसकी आर्मी में 60,000 जो थे वो युद्ध के लिए हाथी थे और 10,000 जो थे घुड़सवार को शामिल कर घुड़सवार जो उसमें शामिल थे ही कौन। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और गांजा ओरला जो कि अब गांजा ओरिसा जो कि अब ओडिशा है के हिस्से को भी उन्होंने नियंत्रण में ले लिया। इसी प्रकार अपनी शक्ति के आधार पर जो उसने मॉडर्न जो कि मॉडर्न टाइम में पंजाब है, ईस्टर्न राजस्थान में और जो पूरी गंगा वैली है उस पर गंगा वैली जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल भी शामिल है उन पर उन्होंने राज्य किया। हर्षाज रिजाइन। बोथ बाणभट्ट एंड हेनसांग हैव प्रेज्ड हर्षा एंड द ग्लोरीफाइड द हिज रूल। ही इज स्पोकन ऑफ Being a ruler who fought many wars with the sole objective of establish peace in North India, Harsha was a great patron of art,
literature and religion. He patronized Buddhism and built several stupas. Under his patronage, the Nalanda University became a great center of Buddhist learning. In 643 CE, he held a grand Buddhist convention at Kannauj, which was attended by the least 20 kings and thousands of pilgrims. He also sent a Buddhist mission to China. Harsh himself was a good scholar of Sanskrit and wrote three plays in this language, Ratnavali, Priyadarshika or Nagananda. बाणभट्ट और ह्योनसांग दोनों ने हर्ष की जो है प्रशंसा की और उनके शासन की का जो है उन्होंने उसके बारे में ग्लोरीफाइड यानी महिमा वर्णन किया, उनकी महिमा बताई कि उन्हें एक शासक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने एकमात्र उद्देश्य के साथ कई युद्ध लड़े थे। नॉर्थ इंडिया में शांति स्थापित की, साहित्य और लिटरेचर और रिलीजन उनका के वो जो है ज्ञाता थे, आर्ट लिटरेचर और रिलीजन के वो ज्ञाता थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और कई स्तूपों का निर्माण किया। उनके संरक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध सीखने का एक बड़ा केंद्र बन गया और 643 CE में उन्होंने कन्नौज में एक बुद्धिस्ट कॉन्वेंशन सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कम से कम 20 था जो रूलर्स थे उन्होंने और हजारों तीर्थयात्री पिलग्रिम्स ने उसमें भाग लिया। उन्होंने चीन को जो एक बौद्ध उन्होंने चीन में जो एक बुद्धिस्ट मिशन को मिशन भेजा। हर्ष स्वयं जो है वो संस्कृत के अच्छे स्कॉलर थे और उन्होंने इस भाषा में जो है 3 नाटक लिखे थे, वो थे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस पीरियड द गुप्तास एंड देयर सक्सीडेड रूलर्स वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर। द किंग वॉज द Supreme authority. The empire was divided into province, bhukti, and each province were further divided into many district vishya. The district had many villages under his control. गुप्त और उनके जो सफल शासक थे वो अच्छे प्रशासक थे, राजा सर्वोच्च अधिकारी थे, साम्राज्य को जो है प्रांतों में प्रोविंस में विभाजित किया गया था और प्रत्येक प्रांत में कई जिलों में उसको विभाजित किया था। जिले में कई गांव उनके नियंत्रण में थे। थैंक यू।